الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. باب بلان کرسی لے حاضر. عوام اہل سنت، مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیات و ثناۃ بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماعت فرما کے سانو سب نو اس دے اُتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حمد و درود تو بعد ناچیز جناب دے سامنے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع اُتے جس موضوع تے ہم کلام ہواں گا اس موضوع دا نام سماعت فرماؤ، اسلام زندہ باد اور صداقت اہل سنت و جماعت. دوستان گرامی، جڑی آیا کریمہ ناچیز نے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے ٹھائیے سی پارے دے اندروں سورۃ الصف شریف دے اندروں،
रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इस उम्मत नाल खिताब फरमाया, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक। फरमाया वही वो ज़ात है जिसने अपने रसूल नु हिदायत और सच्चा दीन दे के भेजा। उस दीन की खासियत की, दीन मुस्तफा दी इनफरादियत की, और रब्बुल आलमीन अपनी आया अपने कलाम मजीद फुरकान हमीद के अंदर अपने कलाम शरीफ नाल फरमा रहा है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। फरमाया दीन ऐसा है जिहड़ा सारे दीना ते गलब आ जाना। फरमाया भावे मुशरकां नूं चंगा लगे ते भावे ना लगे, तवज्जो नहीं फरमाई। हुण गल समझण वाली, अल्लाह अकबर कबीरा। 313 रसूल तशरीफ लेके आए, 124,000 कमों बेश अंबिया अलैहिस्सलाम दे विचों 313 रसूल तशरीफ लेके आए। नबी और रसूल दा फर्क इन अल्फाज दे नाल समात फरमाओ। नबी उसनू कहंदे ने जिहड़े अपनी नवी शरीयत नहीं लैके आउंदे, किसी ना किसी रसूल की शरीयत नूं ही अगे चलाउंदे ने, जिवें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दे भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने, सैयदना मूसा कलीम अल्लाह दे रसूल ने, और सैयदना हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी ने। तो मेरे दोस्तों, जब 313 रसूल अंबिया अलैहिस्सलाम अपना अपना दीन लेके आए, दीन इलाही लेके आए, खुदा बंदे करीम दी बारगाह चो शरीयतां लेके आए ने, इन्हां शरीयतां ते भी दीन मुस्तफा गालिब है, खातमुन नबीजीन सोने नबी जो आए ने बन के। उसका मतलब ये कि सोने तुसी आ गए जे, हुण पिछले दीन सारे मनसूख ने, तुहाडा ही दीन गालिब रहना। ओ दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मन बैठे, सोने मूसा कलीम मन बैठे, सोने ईसा अलैहिस्सलाम मन बैठे, मक्के दे मुशरक अबू जहल अरी जेड़े अपना एक नफसानी दीन बनाई बैठे सन, नफसानी शरीयत बनाई बैठे सन, प्यो दादे दा दीन बनाई बैठे सन, उन्हां अड़ी करन दी कोशिश कीती, यहूदों नसारा ने अड़ी करन दी कोशिश कीती, पर जग ने वेख्या जे दीन बाकी मजाहब बाकी दीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाबले दे अंदर आए ने, अगर इस्लाम ताकत विच नहीं सी ते दलील विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दा कोई मुकाबला नहीं कर सकया। जग वेख्या किसे दलील मंगी, अबू जहल वर्गिया हथां च कैंकरियां फड़ के, तवज्जो नहीं फरमाई ने, अबू जहल वर्गिया हथां च कैंकरियां फड़ के आख्या, ऐ मुहम्मद तू अल्लाह दा रसूल है, दीन तेरा सच्चा है, तू अल्लाह दा नबी सच्चा है, तो फिर दस ना मेरे हथां विच की, तवज्जो नहीं फरमाई। सोने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं दसा ये हाथ में जो फड़ी फिरना है ये बोल के दसा, तवज्जो नहीं फरमाई ने। तुश तारीख गवाह है, हदीस मुस्तफा गवाह है, कि कैंकरियां बोल के कहंदियां ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तजर्बे करने जो कीती जाओ बारैन में,
जिंदाबाद। तवज्जो है दोस्तों, अलगर्ज मैं ज्यादा इस गल से तबसरा नहीं करता, यानी ये सब उलमा, सब खुतबा, मुकर्ररीन, वाइजीन अपने भी ते पराए भी ये बयान कर चुके ने दीन दी हकानियत, मजहब इस्लाम दी हकानियत सब बयान कर चुके ने कि दीन मुस्तफा अगर ताकत विच नहीं ते दलायल दी दुनिया विच गालब है, अगर ताकत विच आ जाए ते बदर ला के गालब हो जाता है, खंदक ला के गालब हो जाता है, उहद ला के गालब हो जाता है, हुनैन ला के गालब हो जाता है, ब्यासी जंगा लड़ के ते दीन मुस्तफा दा झंडा सर बुलंद रहेगा, अल्लाह दा कुरान जो फरमा रहे। इधर वेखो दोस्तों, गल समझनी पैनी है दोबारा, ओ जनाब दी बारगाह दे अंदर रखा कि अगर दीन, यानी मैं कुरान करीम पढ़े है ना, अल्लाह दा कुरान जनाब दी बारगाह दे अंदर पेश कीता, रब फरमाउंदा अल्लाह ओही है, ओही जात है जिन्हें अपने रसूल नू हिदायत और दीन ने हक दे नाल भेजिया है। फिर उस दीन दी शान बदसी, दीन दा खासा दसिया कि दीन किंजदा है, रब्बुल आलमीन फरमाउंदा है ये ऐसा दीन है जिहड़ा सारे दीना दे गालब रहना है। लेकिन मुशरकां नू ये गल चंगी लगदी, मालूम होया दीन दा गलबा किसे बेईमान नू अच्छा लगदा, ये पक्की गल आ। ये जिहड़े आंदे ना आ जिहड़े अमरीकी तालिबान आए ने नवें, ते इन्हां दी हुण तारीफां इमरान खान वर्गे कर रहे ने, और जनाब जी अकवामे मुतहदा दी रुकनीयत भी उन्हां नू लभ गई। काफरां ने आख्या भी ठीक है, जिहड़ा दीन तुसीं फैलाउणा चाहुंदे जे उह साडे ज़ेरे साया रह के फैलाओ, कोई गल नहीं, तुसीं दाड़ियां रखो, पग्गां रखो, औरतां नू बुरके भी पवा लो, हाँ जी तरतीब नाल, असीं पहले पाउंदे रहे ना, फिर हौली हौली उन्हें लुआए ने, मैं कर लो थोड़ा बहुत कम, लेकिन साडे ज़ेरे साया। तो जिहड़ा दीन है ना, जिहड़ा दीन है खालिस दीन है, वह रब फरमाउंदा मुशरकां नू नहीं चंगा लगदा फैलदा। बोल तो सही ना यार, सच्चा दीन मुशरकां नू चंगा लगदा, अगर सच्चा दीन मुशरकां नू फैलदा चंगा लगदा, तो फिर कुरान माज अल्लाह कूड़ा बनदा, तो कुरान दे फरमा रहे हैं काफरां नू चंगा लगदा नहीं सी लगदा, तो 82 मुल्क अपना 132 मुल्क रल के अफगानिस्तान नाल लड़दे रहने। बोलते सही, उदों क्यों लड़दे रहने, हुण क्यों नहीं लड़दे, बोलते सही ना यार। सद्दाम हुसैन ने नहीं उन्हां दी मन्नी, तो सच्ची बोलिया जे अपने भी ते पराए रल के हमले करदे रहे, उदों तक ठंड नहीं पई जब तक सद्दाम हुसैन दी बादशाही खत्म नहीं हुई, हालांकि पूरा दीन नहीं सी, सिर्फ काफरां दी नफी हुई सी बस। बोल तो सही ना यार, पुत्तर तजर्बे कर दिओ, पहले सोहना चलदा रहा, ना तां बढ़दे रहो, उत्थे चलण दिओ, जींदे रहो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੇ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੀਨ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਲੈਲ ਵਿੱਚ ਗਾ ਲਵੇ, अगर 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 ताकत होवे तो फिर तलवार ना लगा लवे। दलैल दी दुनिया च भी तुसा दीन इस्लाम नू वेख्या है, तवज्जो नहीं फरमाई ने, जे किसे आख्या सोहणिया दरख्त पड़े कलमा, सोहणा मदनी हुक्म फरमावे, दरख्त जमीन चीरदा होया सोहणे दी बारगाह सजदा करदा है। बोलो तो सही ना यार, पत्थर पे बोलते हैं, दरूदो सलाम पे पढ़ते हैं, वन सवन्ने मोजे दो चन दो टोटे हो रहे हैं, ये भी तो दलील है ना, बोल तो सही ना सच्चे होन दिया। तो मेरे दोस्तों, ए ते हो गई दीन मुस्तफा दी गल, कुरान सुना देना जरा, जिंदे हो के सारे खड़के दड़कना बोल दो, फिर सदाकते आले सुन्नत दी थोड़ी जी गल करके दे इजाजत, पढ़ा कुरान।
इरशाद रबानी रब्बुल आलमीन जल्ला शानहु फरमाउंदा है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। मेरा रब्बुल आलमीन जल्ला शानो फरमाउंदा है अल्लाह ही ओ जात है ओही ओ जात है जिन्ने अपने रसूल नु हिदायत दे के भेजिया और दीन हक नाल सच्चे दीन दे नाल भेजिया सच्चा दीन दे के भेजिया। फरमाया ए ऐसा दीन है जिन्ने सारे दीना ते गालब इधर वेखो लज पाला। अंबिया अलैहिस्सलाम ने पहले दिन वादा कीता सी रब्बुल आलमीन ने वादा लिया सी मेरा नबी आना है इस दी मदद भी करनी है इस दा साथ भी देना है इस दी मदद भी करनी है इस दा साथ भी देना है। सदके जावा जद आके नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा दीन लेके आए ने इधर वेख लज बाला सैयदना सदीक अकबर व जान गए सैयदना सदीक अकबर वर्गे जान गए ए ओही नबी ने जिन्ना दा जिक्र हजरत ईसा अलैहि सलाम कर दे गए सारे नबी पैगाम पहुंचाउंदे गए हजरत काबुल हबार जैसे नबी लजपाल दे गुलाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम जैसे यहूदियां विचों सन यहूदी कौम दे सन हजरत अब्दुल्ला इब्ने सलाम रजी अल्लाह तआला नो सब समझ गए कि ईसा अलैहि सलाम इन्हां दी बिशारत देंदे गए ने इन्हां दे दीन वल इशारा करदे गए ने ऐ मेरे उम्मतियो मेरे बाद इस नबी दे पिछे चल जाना है। इधर वेख लज पाला नबी मन गया नबिया दे सच्चे गुलाम बन गया दीन गालब होया उन्हां दी निगाह दे अंदर उन्हां दे अदवार दे अंदर तवज्जो पर सदके जावां जदों मुशरकी ने मक्का दी गल आई और अनादी हसद बुगल रखण वाले यहूदो नसारा दी गल आई इधर वेख जब तक जिहाद दी नहीं सी नाजल होया जिहाद दी आया करीमा नहीं सन उतरियां जिहाद आया करीमा नाजल नहीं सी होई हां इधर वे मेरे आगे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तो बाहर अपने घर मुबारक विचों बार मक्का वे जाना ते वन सवनिया हुजतां वन सवनिया बकवासा कुफार करदे सन गुस्ताख गुस्ताखियां करदे सन इधर वे ते वन सवने हीले कर कर के अजमाउंदे सन के नबी सच्चा है या कूड़ा है। इधर वेख लज पाला जिन्हां दा जेड़े बेखबर सन बेखबर सन तवज्जो उन्हां ते मुहम्मद अरबी दे चन टोटे करन नूं वेख्या कलमा मुहम्मद दा पढ़ के मदनी दे गुलाम बन बैठे सी। इधर वेख जिन्हां वेख्या जेड़े बेखबर सन बाखबर नहीं सन बेखबर सन ओते मन दे गए नबी दे गुलाम बन दे गए मौजजात वेख वेख के मन दे गए जेड़े अबू जहल वर्गे सरकश सन उन्दे हाथ विच कलमा कैंकरी पढ़िया पर मुहम्मद अरबी दा गुलाम नहीं बन सकया दीने मुस्तफा नू नहीं मान सकया। इधर वे या यहूदो नसारा जेड़े सरकश सन इनादी सन जान देते सन ये सच्चे नबी ने जानदे सन सच्चा दीन ही इन्हां दे कोले पर वह हसद ते बुगज दी बनाते उन्हां लांतियां खबीसां दे दिल दिमाग दे अंदर सी ए आखरो जमान नबी शाना वाला अजमता वाला साडी कौम विच होना चाहिदा सी ओए होई हसद ते बुगज उन्हां कमीनियां नूं लै गया बर्बाद हो गया। इधर वेख कसम खुदा दी कर गया ना जे दीन दलाल दलाल दी दुनिया विच जे किसे दलीला मंगिया ले मदनी लज पाल चन टोटे कर वखाया कंकरिया नु कलमे पड़ा वखाया दरख्तां नु सजदे कर वखाया कसम खुदा दी करके आना बघियार जैसे वाशी दरिंदे जनाब जी चीरन फाड़न वाले ओ मुहम्मद अरबी दे दीन दी गवाइयां दे रहे सन इल्मे गैब दी गवाइयां दे रहे सन गोवा बोल बोल जानवर बोल बोल पै दसदे सन ओ लोको खुश हो जाओ आमना दा लाल आया है ओ जिंदियां बिशारतां तुरैत विच आईयां ज़बूर विच आईयां इंजील विच आईयां अल्लाह दा कुरान बिशारतां दे गया है अज ओ ही नबी आ गए ने कसम खुदा दी रब सोने ने कोई दलील विच कमी छड़ी नहीं
काफरा मोजे मंगे मदनी मोजे बखाए मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलैल नाल भी उन्हां नूं समझाया मोजे भी खा बखा के भी उन्हां नूं समझाया इधर वे दीन दलैल नाल भी गल बोया फिर जदों तलवार दी वारी आई तलवार दी वारी आई ताकत दी वारी आई मेरे मुहम्मद अरबी ने 313 जान सार लेने उधर हजारां दे लश्कर ने बिट डाले ताकत असबाब चोखे उन्हां दे कोल इन्हां कोल टुटियां तलवारां 313 यार नबी लजपाल ने इधर वे जदों आमने सामने आए ने हुण अकल मन दी नहीं इधर 313 उधर हजार ते जनाब जी बिट डाले ते बड़े बड़े बलावां सामने आमने ने उथे भी जग वेखिया मुहम्मद अरबी दा दीन गालब अल्लाह करना चाहुंदा है कोई झुका सकदा नहीं बोल दे सही खड़के धड़के नाल बोल हक जार यार ادھر ویکھو لجپالا میرے رب العالمین جل شانہ نے اپنے محبوب دے دین نو ہر لحاظ نال غالب فرمایا غالب فرمایا غالب فرمایا غالب سی غالب ہے غالب رہنا ہے اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد ادھر ویکھو لجپالا قرآن سنایا ہن آ تینوں تھوڑی جی گل صداقت اہل سنت و جماعت مذہب حق دی سناواں سنا دیا जरा खड़के दड़के ना बोल सुभान अल्लाह जिवें दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारिया दीना ते गालबे सारिया दीना ते गालबे दलैल नाल ताकत नाल दलैल नाल ताकत नाल दलैल होवे ताकत ना होवे फिर गालब अगर ताकत होवे फिर छितरा नाल गालब ਇਧਰ ਵੇਖ ਲਜਪਾਲਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਾਨੂਸ ਬਣ ਕਰ ਜਿਸ ਕੀ ਹਫਾਜ਼ਤ ਹਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਕਿਆ ਬੁਝੇ ਜਿਸ ਰੋਸ਼ਨ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਉਹ ਲਜਪਾਲਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਮੋਮਨ ਉਦੋਂ ਮਗਲੂਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਛੱਡਦਾ ਏ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੀ ਏ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਰਹੀ ਏ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਕਮੀਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦੇ ਗੱਟਰ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲਜਪਾਲਾ ਰਾਜ਼ ਸਮਝ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ਼ ਸਮਝ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਏ ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਜ ਪਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਏ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਰਬਾਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ ਖਾਜਾ ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ ਪੀਰ ਬਾਹੂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਏ ਹਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਹਰ ਮੋਮਨ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੱਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੈ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਗੱਲ ਬੇਦੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਦੀ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮਗਲੂਬ ਸੁਣਾਵਾ ਖੜਕੇ ਧੜਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜਰਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਕੇ ਬੋਲ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਬਰੁਕਨ ਸਵਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੂਹਾਨੀਆਂ ਨੂਰਾਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਮਦਨੀ ਲਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਦੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪਾਰ ਵਾਰ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਜੀ ਕੀਤਾ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮਦਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਘੋੜੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਏ ਦਰਿਆ ਉਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਏਡਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦਜਲਾ ਫਰਾਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਦਜਲਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟੱਪਣਾ ਏ ਆ ਕੇ ਨਾਮਦਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਦੀਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਲਜਪਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਇਹ ਦੀਨ ਗਾਲਬ ਰਹਿਣਾ ਏ ਅਸਾਂ ਵੀ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਦੀ ਦਰਿਆ
साडा नुकसान कर सकदा नहीं। ओ नबी दे यारां कसम खुदा दी तारीख गवाए हदीस गवाए तारीख गवाए लोहे तोड़ मुस्तनद कल आप सरकार दरिया दे अंदर वड़ गए इधर वेख ते खरमा 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 कहिंदे ने टहल दिया होया दरिया दे उत्ते चल रहे ने सुखे पैर चल रहे ने चली जा रहे ने जदों काफरा पार वेख्या जुत्तियां छड़ के नस गए कहन लगे इंसान नहीं ये ते कोई जिन ने कसम खुदा दी जुतियां छड़ के नस गया दौड़ गया कहन लगे सानू इंसान नहीं लगदे ते कोई जिन ने कोई मखलूक नूरानी है जिन ने वेखो ते सही हुण पानी ते टुरना कोई इंसान दा कम बनदा है मेरे आगे नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे यार दीने मुस्तफा दे नाल सर आखे नामदार दी गुलामी दा पट्टा जो सिर दे वालां तो लैके पैरां दे नाखना तक अपने तन मन विच मड़े सन शरीयत ते चले सी इधर वेख हुण दरिया कश्ती बन बैठा ए आप सरकार पार टप गए काफ़ लड़ाइयों बगैर नस गए जुतियां छड़ के माल छड़ के जनाब जी उठ ते डाचियां घोड़े सब को छड़ के नस गए नबी दे यारा सारा माल कट्ठा कीता हजरत दे साथ में नबी वकास फरमाउंदे ने ओ बेलियो दसो किसे दी कुछ चीज दरिया विच गुम ते नहीं होई एक मदनी दा यार अर्ज कर दे सोने मेरा प्याला दरिया दे अंदर गिर गया है की बोलो बोलो मेरा प्याला दरिया दे अंदर डिग पिया दरिया दियां छलां मेरे घोड़े नाल वजदियां सन ते कच्ची रस्सी सी रस्सी दे अंदर प्याला परोया सी आखे सोणिया रस्सी जो टुटी है प्याला डिगिया हजरत साद बिन अबी वकास फरमाउंदे ने ओ दरियावा असा तेनू जान तू सानू जानदा नहीं असा नबी दे गुलाम है साडा प्याला वापस कीता जावे छल आई है प्याला बार किनारे ते आए ओ छलिया जे नबी दा यार अग विच जावे अग हया करे जे नबी दा यार दरिया विच जावे दरिया हया करे जे मदनी लजपाल दा यार किसे शय नु हथ पावे शेर शेर जदों हजरत सफीना दे सामने आया है अखां कड़ियां चीरन फड़न नू आया सैयदना सफीना फरमाउंदे ने ओ शर्म कर मैं मदनी दा गुलाम हां शेर निगाहां नीवियां करके कंड हाजर करदा ए कसम खुदा दी जेड़ा दीन नाल हुंदा ए मुहम्मद अरबी दी गुलामी विच हुंदा ए सारी मखलूक उस दा ही हया करदी ए इधर वेख ते दीन गालब होया ए आ हुण ਨੂੰ ਸਦਾਕਤ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਉਹ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਸਨ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਣੀ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲੇ ਬੈਤ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾ ਬੋਲੋ 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 ਜਮਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗਾਲਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਾਲਬ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਔਰਾਕ ਫਰੋਲ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਔਰਾਕ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਫਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾ ਜਮਾਤ ਮਜ਼ਬ ਹੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ सल्तनत उस्मानिया वेखे मुहम्मद बिन कासम वेखे औरंगजेब आलमगीर वेखे बोल 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 महमूद गजनवी वेखे बोलो ए सहाबा आले बैद वेखे सब दा मजहब हो नजर आवेगा के सोने तेरे वुजू दा पानी भी थले डिगना तुहाडी थुक मुबारक भी थले जानी चाहीदी बोलो ए अदब दा मजहब सुनिया विच अदब दा मजहब अदब वाला मजहब सुनिया दा है सहाबा दस्या है ओ मदनी सोने जे तेरे वाल मुबारक साडी टोपी विच आ जान खालिद इब्ने वलीद काफरां नूं टोपी सिर ते सजा के छित्तर फेरदे ने
और जंगे यमामा दे अंदर जो टोपी गुम हो गई सी फरमाया जंग बंद कीती जावे मेरी टोपी लभी जावे। साहब अर्ज करदे ने ओ सोहणिया काफर आमणे सामणे ने किधरे मुसलमानां नूं नुकसान ना हो जावे तुसां जंग हुंदी हुंदी बंद करवा रहे जे। आपने फरमाया जो मर्जी होवे पहलो टोपी लभो। टोपी लभी गई सिर ते सजाई अल्लाह फतह फरमाई। नबी दे यार अर्ज करदे ने ए खालिद की वजह सी टोपी जो एडी कीमती सी इहदे विच की राज है। जंग हुंदी हुंदी रुकवा छड्डी सी। इब्ने खालिद हजरत खालिद इब्ने वलीद फरमाउंदे ने ओ बेलियो ए ओ टोपी है जिस टोपी दे अंदर मेरे आके नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाल मुबारक सी। मेरा ईमान है मेरा अकीदा है जब तक टोपी मेरे सिर ते रहिंदी है रब मैनूं फतह ही दे छड़दा है। ओ लजपाला सच्ची बोल ओ जेड़े वाला पाकां दी इंज तज़ीम ते अदब दी एडा सफारसी समझदे ने ओ मुस्तफा दी खुद ज़ात दा की अदब ते मदनी नूं किन्ना कुछ समझदे होणगे। इधर वेख ए गल्लां कित्थों लभियां ने अगर वक्त हुंदा ते हदीस मुबारक इत्थे सुणाउंदा। तवज्जो है जे गोवे पर सुना देना वा लोए तोड़ा हदीस मेरे आके नामदार फरमाया वक्त आना है पूछा जाने जंग हो रही होवेगी काफरां नाल किन्हां नाल काफरां नाल जिहाद हो रहा होवेगा पूछा जावेगा इन्हां मुजाहिदीन विच्चों कोई एक बंदा ऐसा है जिन्ने मुहम्मद अरबी दी ज़ियारत कीती होवे दस्या जावेगा हाँ एक है। आगे नामदार फरमाया उस एक दा सदका रब ने काफरां तो जंग चा जतौणी है जिन्ने साडी ज़ियारत कीती होणी है फिर याद होवेगा फिर पुछया जावेगा कोई है ऐसा तुहाडे विच्चों बंदा ऐसा जिन्ने मुहम्मद अरबी दे तकण वाले नूं तकिया होवे दस्या जाएगा हाँ एक है जिन्ना नबी दे सहाबी दी ज़ियारत कीती है। मेरे आका नामदार फरमाया रब ने उस दा सदका उहनां नूं जंग जिता देनी है फिर जिहाद होणा है फिर जिहाद होणा है फिर जिहाद होणा है। काफरां नाल लड़ाई हो रही होवेगी पुछया जावेगा कोई है मुसलमानां विच ऐसा बंदा जिन्ने मुहम्मद अरबी दे तकण वाले ते तकण वाले दी ज़ियारत कीती है दस्या जावे है। अल्लाह सोने ने उसकी बरकत नाल काफरां तो जंग जिता देनी है। वो सच्ची बोल ए मतलब किन्ना दा है ओ बोलते सही इत्थे ते मुर्शद दे सामने झुक जावे बंदा हथ बन के खलो जावे ते इन्हां डौरुआं दे नज़दीक शिरक हो जांदा है बिदअत हो जांदी है गुमराही बन जांदी है लानती आ साडा ते मज़हब है। तन मन ए तन मेरा चशीमा होवे ओए तन मेरा यारा चश्मा होवे मैं मुर्शद वेखना रजा हूलों दे मोटी ओ मेरे लख लख चश्मा एक खोला एक खजा सबर न आवे मैं होर किते वल भजा मुर्शद सदा ओ मदनी दा सोहणे दा दीदा सात लख करोड़
उस मजहब की गल कर लगा वा जिस मजहब दे सहाबा आले बैत हर जमाने दा वली गौस पाक मीरा लजपाल उस मजहब की सदाकत की गल कर लगा वा तवज्जो है सादा इधर वेख इधर वेख हुण इस मजहब की हकानियत सब तो वड्डी ए वे पूरी तारीख पढ़ इस्लाम दी भावे बरे सगीर हिंदुस्तान होवे भावे अरब जिन्ने इलाके इस्लाम दुनिया दे अंदर वसदे ने जिन्ने जिन्ने भी दीन दी खिदमत कीती है ओ सुन्नी है कोई छित्तर पौले आला कोई जय बला कोई वहाबी नहीं वखा सकना है ओए असां वखा सकने इस्लाम दिया बादशाहियां मकाउण विच खत्म करन विच इन्हां दे हथ ने ते इस्लाम दी बादशाही दे चार चन्न रोशन करन विच सुनियां दे हथ ने बोलो नूरुद्दीन जंगी वेख मुहम्मद बिन कासिम वेख औरंगजेब आलमगीर वेख बोलो जिथे जिथे भी इस्लामी बादशाह वेखेगा सल्तनत उस्मानिया वे सारे दे सारे इधर वेखियो दोस्ता अगर सुनिया को ताकत होवे इस्लाम नु गालब कर छड़ दे ने अगर ताकत ना होवे अंग्रेज दा हनेरा जिवें इस जहान विच अज मौजूद है फिर जदों भी इस मजहब के मुकाबले विच कोई बद मजहब आई अल्लाह सोने ने इन्हां नूं गालिब ही फरमाया है उस सिंध के अंदर मुहम्मद पनाह टुटानी अल्लाह जिंदगी लम्मी फरमावे अज भी मौजूद इधर वे ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर मजदूर सन वहां भी तंग करते सन सामने कुरान तंग करते सन हर वेले हाजर ते नाजर दे मसले उत्ते मदनी लजपाल बारे हंगे नबी हाजर ने या नाजर ने हाजर नहीं या नाजर ने तवज्जो नहीं फरमाई इन आखना वो हाजर भी नाजर भी ने अल्लाह दा कुरान है बोलो बोलो मदनी हाजर भी ने मदनी नाजर भी ने ओ इधर वे नबी ओनू ही कहंदे ने जेड़ा अपनी उम्मत विच मौजूद होवे जेड़ा मौजूद ना होवे ओ नबी नहीं ओ कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कोई खुदा नहीं अल्लाह एक वादा औला शरीक मौला ते मुहम्मद अल्लाह दे बंदे ते रसूल ने है थे नहीं इधर वे ओ नबी ओनू ही आख देने जेड़ा अपनी उम्मत दे अंदर मौजूद होवे मौजूद ना होवे ते ईसा अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम ओ बोल हारून अलैहि सलाम इब्राहिम अलैहि सलाम ओ टुर गए नबी हैं ओ टुर गए अल्लाह दे कोल ने उन्हां नूं भी रब ताकतां दित्तियां ने जदों जिथे जाण जदों जाण तशरीफ ले जाण लेकिन नबी लजपाल दे मनसब मनसबे नबुवत दा ए जरूरी अमर है कि विच रहण कोल होण जे मुमताज कादरी पुकारे नबी ओथे जाण जे इल्मो दीन बुलावे मदनी ओथे जाण पीर बाहू बुलावे मदनी ओथे जाण अंसर साहब बुलाउण ते मदनी ओथे निगाह फरमाउण ए नबुवत दा मनसब इधर वेख लजपाल कसम खुदा दी कर गया ना हुण हाजरों नाजर ते जदों बात छिड़ी ए ओ ट्राली ड्राइवर ईमान अकीदा पुख्ता इन्ना ए कहन लगा जा रहे सन रोड कच्चे रोड ते जा रहे सन अगों वहाबी टक्कर पै फिर बात शुरू हो गई मुहम्मद पनाह टुटानी सिंध वाले आप फरमाउंदे ने ओ तैनूं दलीलां नहीं मननियां आ अग बाल
निमरूद आली अग कठी कर। बोल बोल, क्योंकि तुहाडा ना कुरान ते ईमान है ना हदीस ते ईमान है। छलिया साडे वास्ते अग नहीं आई, साडे वास्ते कुरान आया है, हदीस आई है। मोमन वास्ते कुरान हदीस आई है, मोमन दा दिल कुरान हदीस नु मनदा है। पर जेडे ईरानी तबीयत रखदे हो, ईरानी तबीयत रखदे हुण अग दी पूजा करन वाले हुण उहनां कुत्तियां नू फिर अग दा ही कहना पैंदा। हुण रब्बुल आलमीन जल्ला शान हुण मंजूर सी, उहनां फरमाया ठीक है, जे कुरान हदीस दलीलां नू जे मनदे फिर अग बालो। अग बाली गई। नबी दा यार बिस्मिल्लाह पढ़ के दरूद ओ सलाम पढ़ के वहाबी दा गुट फड़े अग विच वड़ गए ने। इधर वेख, अग विच वड़ गए सन, हुण अग नहीं पी साड़दी दोनां नू। ना वहाबी सड़ रहा है, ना नबी दा गुलाम सड़ रहा है, ना वहाबी सड़ रहा है, ना नबी दा गुलाम सड़ रहा है। मुहम्मद पना टुटा नहीं फरमाउंदे ने, मैनू आवाज आई गैब तो आवाज आई है, मुहम्मद पना ओ नबी दी पना लैण वाला गुलाम आ, इस सूर दा हाथ छड़। कसम खुदा दी करके आना, जदों हाथ छड़िया है वहाबी फुल्लिया वांगू तड़पण लग पिया, भज के बाहर निकल आ जाए। वो जिन्ना कु सड़ना सी सड़ गया, नबी दे गुलाम नो ओही सदा लग गई। कुलिया नार कूनी बरदौ वसलामन आला इब्राहिम। अल्लाह ने सदाकत आले सुन्नत जग विच विखाया, फिर वक्त आया खानका डोगरां दे मुहम्मद सरफराज साहब इन्हां दा मुनाजरा इस पार्टी नाल होया मुबाहला। अल्लाह सोने ने इस छित्र बोले वाले नूं साड़िया, सरफराज साहब नूं बचाया। फिर एक वाकिया होया मंडी अहमदाबाद दे अंदर, वो दोस्त भी सन उन्हां दा देवबंदियां नाल मसला बणिया ते बणिया। या रसूल अल्लाह तू इधर वेख, इधर वेख, इधर वेख। हुण कढ़ाई दाणे बीबी फुन रही सी, लाल सूई कढ़ाई दाने फुन रही सी। उन्हें आख्या नबी साढ़े लख करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ने, असां दरूद ओ सलाम सही पढ़ने आ। देवबंदी कहन लगा नहीं नहीं, ये ते गुस्ताखी है, शिरक है, बिदअत है, ये ठीक नहीं। ओ नबी दा गुलाम कहन लगा फिर आ फैसला अग करे, कुरान नू नहीं मानना, हदीस नू नहीं मानना, पुछ लैने आ जिन्नू तू मानना है। राजी होया, हुण उहना मुहदा की होया, मुहदा की होया। उन्हें आख्या पैर मैं भी रखना, गोडा तू नपना, फिर तेरा पैर ते गोडा मैं नपांगा। उन्हें नपया है, जोर दी कढ़ाई ते रखिया है। कढ़ाई अज भी मौजूद है, जिहड़ा वेखण जावे उस देवबंदी दा पैर उत्थे ही छप गया है, उत्थे ही लग गया है। सारी तली सड़ गई, नबी दे गुलाम दा पैर महफूज। इधर वेख लज पाला, हुण सदके जावां मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मुहम्मद फजल अहमद चिश्ती इमाम उल गैरत मेरे ख्वाजा मुहम्मद शफी लजपाल दी निगाह दा फैज याफ्ता। इधर वेख, वाकया छड्डिया सी, वाकया बयान हुंदा सी, जिहड़ा इत्थे भी मैं चैलेंज कीते सन, जिहड़े कुत्ते साडे बारे आखदे सन यजीदी ने, यजीदी ने, यजीदी हिमायत करदे ने, मेरे इमामे अली मकाम नूं माज़ला झूठा कहिंदे ने, यजीद नूं सच्चा कहिंदे ने, इह हुजरे आला मर्तबान कंजर। सूरा महा जनाब जी क्लिप कट कट के, क्लिप कट कट के बकवासा कीतिया, साढ़े बुजुर्गों से तोमता लाइया, साढ़े बुजुर्ग उ मजहब पेश फरमाया जेड़ा आला हजरत सी पीर मेहर अली शाह ताजदार गोलड़ा का सी, मेहर अली अपना मियाँ शेर रबानी का सी, हर जमाने के बली का सी, अरब के इमामा का भी उही मजहब, इस हिंदुस्तान के इमामा का भी उही मजहब, और चिश्ती साहब किबला मेरे माँ बाप आपके दर के कुत्तियों को कुरबान, उन्होंने मजहब भी उ पेश किया। पर ईरान का कुत्ता सी, ईरान दा कुत्ता सी मदसर शाह, इमराई जनाब जी ईरान दे कुत्ते सन, पैसा पै गया सी, एडा समझिया चिश्ती साहब दे मुकफना ते शियत दी जड़ पट्टी जानी है, अहले सुन्नत दी मजहब रह बाकी रह जाना है। उन्हां क्लिप कट कट के झूठियां तोमदा। वेखो जी चिश्ती साहब इंज आखदे ने, चिश्ती साहब इंज आखदे ने, ये जी यजीद दी हिमायत करदे ने। मैं भी चैलेंज कीते, अब्दुर्रज़ाक शाह साहब भी चैलेंज कीते, बड़े बड़े दरवेश आखे अग बालो, जे कुरान नूं नहीं जे मनदे
बैला नू नहीं जमान दे कंजरो अपनी आत्मा नू जिनू पूज दे जी ओही बाल लो इधर वेख इधर वेख इधर वेख पर साडे मुकदरा विच नहीं सी मैं ते चल के भी गया सा उते हुजरे मदरसे दे सामने कसम खुदा दी कुरान सामने चल के गया सा मैं क्या कंडो जेड़ा थोड़ा आशक हुसैनी है आओ अग बालो मैं मरना वा पर कोई सामने किसे दी जुरत ना होई भाग सन अंसर साहब दे मुकद्दर सन उस अंसर साहब बट्टू दे मंडी अहमदाबाद का इलाका अहमद नगर पिंड जग जा के वे हजारा बंदे गुहा मौजूद उथे रोला बन गया खे जी वेखो जी ए जनाब जेड़ा चिश्ती साहब फरमांद ने तुहीन कर देने गुस्ताखी कर देने साडे दरवेश आख्या अंसर साहब फरमाया चिश्ती साहब जो बयान फरमाया हक फरमाया है आले बैत दी इज्जत दे बारे साहबा दी इज्जत दे बारे जो फरमाया हक फरमाया है मर्तबान झूठा है ओने अगवा किया मैं कहना वा ये गल्ला दोवें ओने बयान कीतिया ओने आख्या मैं चिश्ती साहब नु सच्चा कहना वा ओने दे मौकफ नु सच्चा कहना वा ओने दा जेड़ा पेश करदा दीन पेश करदा फिकर ओनू सच्चा कहना वा जेड़ा मुखालफ सी ओहदा नाम सी हाफिज शब्बीर पर अंदरों है सी पक्का यजीद बोलते सही वो कहन लगा मैं मर्तबान नू सच्चा कहना वा मुरादब शाह नू सच्चा कहना वा उन्हें जो अल्जाम लाए चिश्ती साहब से ठीक लाए ने एक गल्लां निकाड़ो यहाँ इस वेले नैट ते मौजूद ने कोई वेखना चाहे पूरी दुनिया वेख सकती और दावत ते फिकर उथे जा मंडी अहमदाबाद कराया मैं देंगा अहमद नगर पिंड कराया मैं देंगा उथे जा अपनी तहकीक कर चिश्तियां ते ना जा किसे दी गल ते ना जा आप जा वेख सुन सारियां दलैर कोई दाड़ी वाला नहीं सारे पिंड दे कसम खुदा दी कर गया ना गैर जानबदार ना कुछ चिश्तियां ना तलक ना उन्हें मर्तबान नाल सिर्फ दो ही साने कंसर साहब दूजा उनका मामे का पुत्र सी उनका नाम सी शब्बीर इस गल से मुबाला हो गया गल लम्मी है पूरी तफसील जुमे का वक्त मुक जाना पूरी तफसील नहीं बयान हो सकनी पहलो दलैल देंदे रहे मौलाना जवेद साहब दलैल देंदे रहे किसे ना मनिया वेर दे रहे अखीर कोई मुसबत मसला हल ना होया मौलाना अहमद साहब सन बड़ी रूहानी शख्सियत उस इलाके की उनके दोवें शगिर सन उन्हें कहा शर्म करो बंद कर दो तेरे को दो दिन का वक्त दे चिश्ती साहब सच्चे ने इन्हें ना लग जा फैसला ना होया कारी साहब तकरीर करके तशरीफ लाए गए पिंड विच इक्को ही दरवेश सन जिन्हां दा नाम अंसर इकबाल अंसर शाहीन वट्टू कोई सन छोटे जा जिमीदार ने फोन ही चंद दिन हो गए ने किराने की दुकान बनाई सी किराने की दुकान बनाई सी जो टुर गए हाफिज सैफुल्ला नाल मुनाजरा हुंदा रहा हाफिज सैफुल्ला दा शागिर्द सी शब्बीर इधर वेखो वो आया उन्हें आख्या मैं वड़ना वा अग विच लियाओ वट्टू नूं लोग आख्या उहदे चले गए ने एक जवेद नामी वट्टू मुंडा सी दाड़ी मुन्ना है वह कहन लगा अगर अग विच ही जाना है इत्थे कोणा दा निक्का जिहा दरवेश है छल्ला जिहा दरवेश है कमला जिहा दरवेश है पर मुहम्मद अरबी दी निगाह दा फैज़ा लाए ओनू ले आने बुलाया गया इधर वेख दरवेश नु आख्या बेली आग जवड़ नहीं ओने ना सोचया ना समझया फरमाया ठीक है इजाजत लई मैं वुजू करावा वुजू करके आ फरमाउंदे ने फिर मैं इजाजत लई मैं नफल पढ़े नफल पढ़न तो बाद आया है दरवेश थापियां दा हंगूरा कट्ठा कीता है उत्ते डीजल पाया है अग ला के दरवेश 35 तो 50 बंदे मौजूद ने साढ़े 11 बजे का वाकया है तकरीबन 11:30 बजे का रात का वाकया है दरवेश कहता है मैं जावा कसम खुदा दी जुत्ती लाई है जा अग विच बैठ के खलो गए ने चंद लम्हे खलोते ने ते कहन लगे हुण आखो ते बह भी जावा
अग दे फमुकू बल रहे ने। हजरत अंसर साहब आप सरकार अग विच बह गए ने। मेरे सामने कुरान हलफन जेड़ियां उन्हें गवाइयां दित्तियां ने मैं उन्हें उसे गवाइयां दे मुताबिक अपनी अखा नाल कन्ना नाल विच मौजूद सा। पूरे पिंड गवाइयां दित्तियां असां खिच दे रहे अगो जवाब मिलदा सी अज मैं ए स्यापा मुका की आउणा खिच दे रहे कसम खुदा दी उन्हां दी कमीज मुबारक फट गई। ओ खिच दे सन नबी दे यार नूं अग विच पता नहीं किन्ना कु स्वाद लब रहा सी नहीं निकलते किन्ने मिनट बिच बैठे रहे जदों ना इसरार कीता खिच के बाहर कढ़ ले अमनो अमान खैरी सलामती बार तशरीफ ले आए। फिर हाफज शबीर जिहड़ा सी अंदरों यजीद ओ बड़े आए ओ जिवें बांदर नचदा है छट खलोता बैन लगा जदों कपूरियां नूं सेक लगी है ते भज के बाहर नस के निकल आया है। कहन लगा नहीं 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 स्वाद नहीं आया। हाफज ओ हजरत अंसर साहब फरमाउंदे ने अच्छा फिर अग कुरान झूठ बोलन वाला बेईमान है दूजी बारी अग खुद हजरत अंसर साहब ने बाली अग बाल के फिर विच वड़ गए ने वड़ गए फिर उन्हें बार खिंच के कढ़िया भी हजूर बस ऐसा मन बैठे जेड़े साले सन जेड़े साले सन वो मन बैठे ये शबीर विच वड़िया फिर भी बांदर वांगू नचदा रहा पैर चुकदा रहा फिर भज के बाहर निकल आया। सुबह होई उनका मामू उसका चाचू उसका एक मामू उस बागली उनका नाम सी उस मुंडे शबीर का चाचू सी मामू सी उस अंसर साहब का चाचू सी जेड़े साले सन उन्हें आख्या पैर विखाओ पैर विखाओ पैर वेखे गए अंसर साहब का पैर एडा सोहना इंज लगता सी कसम खुदा दी जिवें दूल्हे दे पैर हुंदे ने जदों उस मुनाफक दे पैर वेखे सारे जले ते एडे एडे छाले पानी नाल भरे होए सी आशक बचिया है मुनाफक सड़िया है। वाह वाह रब्बुल आलमीन तेरे दीन नु गालब करन तो सदके जाइए। वाह मुहम्मद अरबी तेरी आले सुन्नत वा जमात नु गालब करन तो सदके जाइए। ओ झलिया ओ जेड़े टांटा करदे सन उहनां दे बूठे ते लण पै गई जेड़े बां बां करदे सन झूठियां तोहमतां लाउंदे सन रब ने आसमान तो फैसला उतारिया। चिश्ती साहब तेरी अजमत नू सलाम ओ खाजा साहब तुहाडी अजमत नू सलाम ओ दरवेशो तुहाडी अजमत नू सलाम ओ अंसर साहब तेरे अकीदे ईमान तो सदके जाइए ते तेरी अजमत नू सलाम ते इस कौम दी बेजमीरी तो सलाम ओ जेड़े ना मुराद सोचदे ने पता नहीं की बन जाएगा की बन जाएगा। छल्या ओ जिन्हां नू दुनिया विच अग नहीं साड़दी कदी कियामत नू भी अग साड़ सकदी नहीं। ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਚੈਲੰਜ ਜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਰਵੀ ਤਾਕੀਕ ਕਰ ਜੱਗ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਮੂਦੀਆਂ ਮਰਤਬਾਨ ਦੀ ਮੰਜੀ ਮੂਦੀ ਮੁਦੱਸਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਜੀ ਮੂਦੀ ਨਸੀਰੀ ਨਵੀਦੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਮੂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਮੂਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਆਖਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਈ ਸੈਯਦ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਖਬਰ ਸੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਖ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ ਆਸਮਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰੱਬ ਦਿਲ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕਲਮਾ ਪੜ ਕੇ ਕੰਜਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਦਿਨ ਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਵਾ ਤਨਵਾ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਥੱਕ ਥੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾਇਆ ਨਾ ਜੀਤ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਖਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ
कि साडे मुर्शिद दा मुरीद है, तवज्जो नहीं फरमाई। ते हुण जे उंदा दिल सिद्धा हुंदा, एडा वड्डा अजीम मुहम्मद अरबी दा मौजज़ा वेख के, सदाकत अहले सुन्नत वेख के होनी सिद्धा हो जावे। पर सजना मुकद्दरां विच नहीं, अबू जहल दे हाथ विच कलमा मुहम्मद दी कंकरियां पड़न, कंकरियां पड़न मदनी दा कलमा ते जाहिल दा जाहिल रवे। इंज हो जांदा है, यो दिलु भी कसीरा व यादी भी कसीरा। कुरान फरमाउंदा पढ़िया, बहुते कुरान नूं पढ़ के गुमराह हुंदे ने, बहुतियां नूं हिदायत लभदी। इंज दे भी हैण, पढ़दे कुरान ने हुंदे गुमराह ने, ओ मर्तबान शाह वरगे। लो पूरे पिंड च जेड़े मौलवी ने, सुनमे दानी हो गई ते फलानी दानी हो गई, ये जिन्नियां दानियां शानियां ने, ईरानी कुत्ते बोल तो सही, इन्हां सारिया खनजीरां नूं कह हुण रब नूं मशवरा दिओ, रब सोहणिया चिश्तियां नूं क्यों जताया ई है। बोल तो सही ना, जेड़े भौंकदे सन ना उनके हुण भौंक, हुण ते तस्दीक और तईद रब ने करवा छड़ी। मुहम्मद अरबी दी तस्दीक और तईद आ गई, हुण चिश्ती नूं भौंकेगा, समझी रब्बुल आलमीन नूं पिया भौंकणा है। और बोल ते सही, की मतलब कि चिश्ती साहब ने जिहड़ा तीर बयान फरमाया है वो अल्लाह दा फरमाया है, मुहम्मद अरबी दा फरमाया को साडे घर दा दीन। बोल ते सही ना यार, अल्लाह दी बारगाह च दुआ है, अल्लाह जल्ला शानहू इस्लाम नु जिंदाबाद फरमाए, और है सदाकत अहले सुन्नत व जमात जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद। आखो आमीन। अल्लाह जल्ला शानहू हर बद मजहब हर बद दीन दा सफाया फरमाए, और मुहम्मद अरबी गुल दे गुलामा नू दिन दुगनी रात चुगनियां तरक्कियां दा फरमावे। आखो आमीन। सदा वसदा रवे तेरा, सदा वसदा रवे तेरा दवाराया। रल के पढ़ ले, कसम खुदा दी, ना जिन्ना लज्जत नहीं चखी ओ ही दूर होंगे, ओ ही बेजौके होंगे, जिन्ना नू लज्जत लभ जांदी। अंसर साहब वर्गियां नू पुछ, ओ मुहम्मद पना टुटानी वर्गियां नू पुछ, हजरत सरफराज वर्गियां नू पुछ, गाजी इलमदीन शहीद वर्गियां नू पुछ, हजरत मुमताज कादरी वर्गियां नू पुछ, उहनां दे होई कहणे सदा वसदा रवे तेरा दीवाराया। रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दवाराया। रसूल अल्लाह जिथे हुंदे गरीबां दा गुजाराया, सदा वसदा रवे तेरा दवाराया। रसूल अल्लाह जिथे हुंदे गरीबां दा गुजारा। अबू बकर सदीक भी ओही कफायत की, हजरत पाक फारूक आजम भी ओही दर मुबारक मल्ली रखिया, उस्मान पाक ने भी ओही मल्ली रखिया। शाली मुश्किल कुशा दी जिंदगी भी नबी दे दर अकदस से गुजर गई, ओ हर गुलाम मुहम्मद अरबी दे बूवे ते खुश बैठा है। ओ अज कौम नु की मौत पै गई है, अज मुहम्मद अरबी दा बुआ छड़ के चूड़िया दे बूवे ते बह गई है। ओ झलिया, ओ चूड़िया दे बूवे तो कख नहीं ओ लबणा। पुछ अबू बकर सदीक तो होते हुए कहते नजर आते ने सदा वसदा रवे तेरा दवाराया। रसूल अल्लाह जिथे हुंदे गरीबां दा गुजारा या।
जे खापे खाने ते चूड़ियां दा बुआ ते जे गुजारे च रहने ते मोहम्मद अरबी दा बुआ बोल तो सही ना यार खापे हमेशा आप आंदे जे हलाल दे पैसे नाल खापे नहीं लभदे बोलो हलाल दी कमाई ओ दीन विच ते दीन दी कमाई नाल गुजारे ही हुंदे ने क्यों मोमन करन ही गुजारा आया बोल तो सही ना यार आज मोमन करन ही गुजारा आया गुजारे ते रवेंगा ते कदी मोहम्मद अरबी दे बुवे ते थोड़ा सकदी ऐतवार बाद नमाज ईशा मौलाना मुफ्ती रमजान साहब का बयान है डॉक्टर साहब के घर सब दोस्तों दावत तशरीफ लैके जाए जी रायविंड 2 अक्तूबर रायविंड शहर बयान है वड्डे उस्तादां दा सब दोस्तों दावत जिथे जिथे जाओ जरूर तबलीग फरमाया जी अगले जुमेतुल मुबारक नूर साहब की बिला मुफ्ती मोहम्मद नूर साहब का बयान बाद नमाज ईशा बहराम के पिंड सब दोस्तों दावत है।